What is up, ladies and gentlemen? Esports 360 के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज के एपिसोड में सबसे पहले हम बात करेंगे वैलोरेंट के नए एपिसोड 3 एक्ट 3 के बारे में, जहां पे हमको दो नए एजेंट्स दिखने वाले हैं, डेड आई और स्प्रिंटर। उसके बाद बात करेंगे किस तरह से पबजी मोबाइल न्यू स्टेट का ट्रेलर लॉन्च हुआ, लेकिन ऑडियंस क्राफ्टन से ये जानना चाहती है कि वो BGMI में हैकर्स के बारे में क्या करने वाले हैं। फिर बात करेंगे कि किस तरह से स्काई स्पोर्ट्स कराने जा रहा है इतने समय बाद वैलोरेंट का इंडिया की तरफ से होने वाला सबसे पहला लैंड, जो होने वाला है एक्चुअली दुबई के अंदर। एंड इन द एंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लीग ऑफ लेजेंड्स के वर्ल्ड्स के फाइनल्स ब्रॉडकास्ट होने वाले हैं यूरोप के कुछ सिनेमा हॉल्स के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिस इज सुपर जॉनी एंड यू गाइज आर वॉचिंग ईस्पोर्ट्स 360। वैलोरेंट के एपिसोड 3 एक्ट 3 का हम सब काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, और फाइनली जब ये नया पैच हिट करने वाला है तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंटिसिपेट किया जा रहा है कि एपिसोड 3 एक्ट 3 नवंबर 2 को रिलीज़ होगा, हालांकि ऑफिशियल डेट्स अभी तक रिवील नहीं हुए हैं। अब ये स्पेकुलेशन कुछ इसलिए की जा रही है क्योंकि एक्ट 2 का बैटल पास भी 2 नवंबर को ही ख़त्म हो रहा है। नए पैच में फ़िलहाल ज़्यादा लीक्स या कॉन्टेंट मिल नहीं पाया है, तो शायद ये हो सकता है कि रायट 2 एजेंट्स को एक साथ ही लॉन्च कर दे, बट हु नोज। लेकिन ये बात हमको दावे से पता है कि 2 नए एजेंट्स गेम में हमको जल्दी देखने को मिलेंगे, जिनका नाम रहेगा डेडाई और स्प्रिंटर। डेटा माइनर्स ने ये इन्फो निकाला है दैट वी आर येट टू गेट एनीथिंग मोर देन द नेम्स ऑफ दीज 2 एजेंट्स। अब क्राफ्टन ने रिसेंटली रिलीज किया था पबजी न्यू स्टेट का ट्रेलर, जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग दिखा, लेकिन इंडियन कम्युनिटी चाहती है कि क्राफ्टन BGMI के अंदर हैकर्स का जो इशू है उसको पहले एड्रेस करें। क्राफ्टन के पबजी न्यू स्टेट के ट्रेलर लॉन्च के बाद BGMI कम्युनिटी खुश तो थी, बट दे वर येट टू गेट अ रिलीफ फ्रॉम ऑल द हैकर्स ट्रेनिंग द गेम। इवन प्रो प्लेयर्स लाइक मॉर्टल, स्काउट, जॉनथन एंड घातक ने भी अपनी नाराजगी दिखाई। उनका कहना था कि हैकर्स की वजह से जो प्लेयर्स डेडिकेटेडली ग्राइंड करते हैं उनकी मेहनत बेकार जा रही है, एंड दिस इज अ रियल प्रॉब्लम। लेट्स सी क्राफ्टन आने वाले टाइम में क्या स्टेप्स लेने वाली है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। एंड इन अदर न्यूज, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्काई स्पोर्ट्स लेकर आ रहा है वैलोरेंट का उनका सबसे पहला लैन इवेंट, जहां पे साउथ एशिया की टीम्स हमको खेलती हुई नजर आएंगी दुबई में। ये एक ट्राई नेशन सीरीज होगी जिसमें भाग लेंगे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स। कहा जा रहा है कि इस टूर्नामेंट का प्राइस पूल रीजन में सबसे ज्यादा बड़ा प्राइस पूल होगा, हालांकि कुछ सॉलिड डिटेल्स हमें अभी तक नहीं मिले, बट वी आर श्योर दिस थिंग इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट, अ साउथ एशियन वैलोरेंट लैन इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। और अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे, जो ये है कि लीग ऑफ लेजेंड्स के वर्ल्ड्स फाइनल्स ब्रॉडकास्ट होंगे यूरोप के सिनेमा हॉल्स के अंदर। इट्स अ ग्रोइंग ट्रेंड जहां पे स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स को मल्टीप्लेक्स पे दिखाया जा रहा है, एंड द पीपल आर इंटरेस्टेड। राइट गेम्स ने हाल ही में अनाउंस किया कि लॉल का वर्ल्ड फाइनल्स एयर होगा यूरोप के सिनेमाज में। राइट ने इसके लिए कोलैब किया है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पीस ऑफ मैजिक एंड अमेरिकन थिएटर कंपनी नेशनल अम्यूजमेंट्स के साथ। इवन इन इंडिया द इंटरनेशनल वॉज ब्रॉडकास्टेड लाइव इन PVR सिनेमाज, एंड आई थिंक दिस ट्रेंड विल ग्रो और ई स्पोर्ट्स को भी मूवीज की तरह कम्युनिटीज एक्सपीरियंस कर सकती हैं बड़े पर्दे पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड ऑफ ई स्पोर्ट्स में फीचर होने का मौका है आप लोगों के पास। सो मेक श्योर यू गाइज सेंड योर सबमिशंस एट video@nordwin.com। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन, बाय बाय।